बच्चों, अब हम टॉमस ग्रे की जो एलिजी है उसका स्टैंजा नंबर 13 डिस्कस करेंगे। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। चिल पैन्यूरी रिप्रेस देयर नोबल रेज एंड फ्रोज द जीनियल करेंट ऑफ द सोल। इन लाइन्स में एज़ यू नो इन प्रीवियस स्टैंजास वी हैव डिस्कस्ड, टॉमस ग्रे सेज दैट द फोर फादर्स ऑफ द दिस विलेज हु आर नाउ लाइंग बरीड इन द चर्च यार्ड, हु लिव्ड अ वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी लाइफ। दे डिड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। दे कुड नॉट अचीव एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन देयर लाइफ। बट द रीज़न ऑफ देयर बींग सिंपल एंड ऑर्डिनरी वॉज नॉट दैट दे वर नॉट टैलेंटेड और दे डिड नॉट हैव पोटेंशियल टू डू समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। द रीज़न वॉज दिस दैट दीज पीपल डिड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क। तो कवि जो हैं ग्रे वो कहते हैं कि ये जो लोग थे, जो सिंपल गांव के लोग थे, इन्होंने बहुत ही एक सिंपल लाइफ लीड की। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बड़ा अचीवमेंट इन्होंने, बड़ी उपलब्धि अपने जीवन काल में नहीं हासिल की। लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि वो टैलेंटेड नहीं थे या उनके अंदर क्षमता नहीं थी, वो कुछ कर नहीं सकते थे। कारण ये था कि उनको ये करने के मौके नहीं मिले, कुछ हासिल करने के का सम की परिस्थितियाँ उनके फेवर में नहीं थी। उन्हीं द इन दीज लाइन्स द पोइट इज़ कंटिन्यूइंग द सेम आइडिया। उसी आइडिया को आगे इस स्टैंजा नंबर 13 में भी टॉमस ग्रे कंटिन्यू कर रहे हैं। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज, नॉलेज यानी ज्ञान विद्या। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है नॉलेज का, कि नॉलेज टू देयर आइज यानी उनकी आंखें, विलेजर्स की आंखें, उनको नॉलेज ने, विद्या ने, या ज्ञान जो है, एक तरह से वी कैन से द गॉडेस ऑफ नॉलेज डिड नॉट शो हर एम्पल पेज। पेज यानी कोई भी पेज है, कोई पृष्ठ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे बुक से ही हम पढ़ते हैं। हाउ डू वी गेट नॉलेज थ्रू बुक्स, एंड बुक्स आर रिटन ऑन पेपर। तो वो जो पेपर ऑफ नॉलेज है, इट वॉज नॉट शोन टू देम, कभी उन्हें वो देखने को ही नहीं मिला। दे डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, उन्हें पढ़ना लिखना भी सीखने को नहीं मिला। और वो पेपर, उसमें क्या होता है, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम। द पेपर, दैट पेपर इज रिच। वो पेपर जो है वो, इट इज़ नॉट अ सिंपल पेपर। टॉमस ग्रे इज सेइंग दैट पेपर इज़ वेरी रिच, इट इज़ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। वो ये बहुत एक्सेप्शनल है, वी शुड नॉट टेक इट एज इफ इट इज़ जस्ट अ सिंपल पेपर। ये दिस इज़ रिच, ये बहुत, इसमें अब रिच केवल पर्सन पैसे से ही नहीं होता है, बुद्धि और ज्ञान से भी होता है। तो ये जो पेपर है, इट इज़ रिच, किस चीज़ से रिच है, किससे ये धनी है, विद द स्पॉइल ऑफ टाइम। स्पॉइल्स ऑफ टाइम, स्पॉइल्स ऑफ टाइम मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ एजेस। क्योंकि किसी भी किताब में, किसी भी पेज पर जो लिखा होता है, वो एक सिंपल इंक से लिखे हुए प्रिंटेड वर्ड्स नहीं होते हैं, प्रिंटेड वर्ड्स एंड लेटर्स नहीं होते। दे आर द एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल फॉर ईयर्स, जिसको काफ़ी सालों तक, सैकड़ों साल तक जो ह्यूमंस ने जो अपनी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस किए हैं, जो उसका निचोड़ है, जो उसकी सीख है, जो उसकी लर्निंग है, उसको दे इम्प्रिंट ऑन द पेपर्स। तो वो जो ज्ञान है, विच वॉज वी कैन से विच केम आउट ऑफ द लर्निंग ऑफ हंड्रेड ऑफ ईयर्स एंड दैट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर, बट द गॉडेस ऑफ नॉलेज डिड नॉट अनरोल, डिड नेवर अनरोल। अनरोल यू कैन से ओपन, जैसे हम कोई चीज़ रोल करते हैं तो वो अंदर बंद हो जाती है, अनरोल ओपन। तो द गॉडेस ऑफ नॉलेज डिड नॉट गिव देम चांस टू लर्न द लर्निंग द नॉलेज
of the sacred knowledge which was given to mankind after the experience of hundreds of years. सैकड़ों साल के अनुभव से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है हम उसे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं. और कैसे पास ऑन करते हैं? थ्रू बुक्स. उनमें हम लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति लिखता है और उसको दूसरा भी पढ़कर वो एक्सपीरियंस जो इस व्यक्ति किताब लिखने वाले ने, कविता लिखने वाले ने या कोई भी फिलॉसफी लिखने वाले ने कुछ काफ़ी सालों में लर्न किया होता है उसको वो पर्सन एक बुक में एक पेज पर लिख देता है और द अदर पर्सन कैन रीड एंड अंडरस्टैंड दैट इन अ वेरी लेसर टाइम. बहुत कम समय में वो उसको पढ़ सकता है. तो ये मौका इनको कभी नहीं मिला. चिल पैन्योरी यानी पॉवर्टी. चिल यानी यहाँ समझिए एक्सट्रीम पॉवर्टी. दे वर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. बहुत गरीबी में ये लोग रह रहे थे और इस गरीबी ने क्या किया? रिप्रेस्ड यानी दबा दिया, सप्रेस्ड दबा दिया. क्या दबा दिया? देयर नोबल रेज. नोबल रेज समझिए एम्बिशन. एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, महत्वाकांक्षा, कुछ करने की इच्छा. तो जो इनकी जो गरीबी थी इसने इनके जीवन में आगे बढ़ने की जो भी इच्छा थी उसको दबा दिया. द एक्सट्रीम पॉवर्टी सप्रेस देयर डिज़ायर टू एक्सेल इन लाइफ. अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की एक जो भावना इनके अंदर थी उसको गरीबी ने दबा दिया. और क्या किया गरीबी ने? एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल. फ्रोज फ्रीज का सेकेंड फॉर्म है. फ्रीज यानी जमना या जमाना. किसी चीज़ को आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जब, जैसे बर्फ़ को, पानी को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है यानी जम जाता है. तो ये जो गरीबी थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, इसने क्या किया? जमा दिया. अब जमा दिया का मतलब एक तरह से है रोक दिया. जैसे अगर वाटर तो फ्री फ्लोइंग होता है लेकिन जब वो जम जाता है तो रुक जाता है उसी जगह, फिर वो बहता नहीं है. तो इस तरह से एक तरह से ये जो पॉवर्टी है इट स्टॉप्ड, इसने रोक दिया. क्या रोक दिया? द जीनियल करंट ऑफ द सोल. जो सोल यानी एक जो स्पिरिट है उसकी जो आगे बढ़ने की इच्छा है, जीनियल करंट टू फ्री फ्लो टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ. एक जो इच्छा होती है उनकी, जो स्पिरिट्स थी कुछ अच्छा करने की का जो उनके मन में भावना थी उसको जो है इट वॉज सप्रेस्ड बाय एक्सट्रीम पॉवर्टी. ये जो है गरीबी ने उनको ऐसा करने नहीं दिया. उनके अंदर बहुत कुछ करने की चाह थी, इच्छा थी, बट इट वॉज स्टॉप बाय द देयर अटर कंडीशन. इनकी जो परिस्थितियाँ थी दे डिड नॉट अलाउ टू डू टू लर्न समथिंग and to do something great. Okay. अब next stanza number 14 हम देखते हैं बच्चों. इस stanza में भी the poet is continuing the same idea and he's saying कि केवल ये इन्हीं villagers पर ये बात लागू नहीं होती. इट इज़ ओनली नॉट अबाउट दैम दैट दे कुड नॉट अचीव एनी extraordinary position in their life because they did not have opportunity. ऐसा बहुत जगह होता है कि बहुत सी सुंदर वस्तुएं, बहुत सी precious वस्तुएं, उनको अगर ये मौका नहीं मिलता, अगर लोगों के सामने वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती, उनको appreciation नहीं मिलता और वो उसी तरह ख़त्म हो जाती हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी चीज़ें हमने अपने जीवन में देखी हैं वही precious हैं. There are lots of things in life which we have not explored, जिनको हमने नहीं देखा है, जिनका हमें नहीं पता है. तो ये सेम थॉट जी स्टैंजा नंबर 14 में कंटिन्यू कर रहे हैं थॉमस ग्रे. Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear. Full many a gem. Gem कहते हैं रत्न, जवाहरात, जैसे कोरल होता है और एमरल्ड होता है. तो ये सब these are very precious stones. तो जेम से आप समझिए सम precious stones. तो बहुत से जो कीमती जवाहरात हैं, stones हैं, of purest, pure, they are very pure, they are original, बहुत ही pure हैं वो. रे means चमकने वाला, उनकी जो चमक है. सीरीन कहते हैं वैसे तो शांत, मतलब दे आर क्रिस्टल क्लियर, दे आर सो प्योर एंड प्रेशस. और वो लेकिन ये ऐसे जेम्स जो हैं, ऐसे स्टोन्स जो हैं, वो कहाँ पड़े रहते हैं? द डार्क अनफैदम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर.
इन द डार्क, द के पहले आप इन लगा लेंगे तो लिख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. इन द डार्क अनफैदम्ड, डार्क यानी अंधेरे में. ये कहाँ पड़े रहते हैं? ओशन में, समुद्र में. और समुद्र कैसा है? अंधकार है, वहाँ नीचे तक लाइट तो नहीं जाती है, तो डार्क है. और कैसा है? अनफैदम्ड, अनफैदम दैट कैन नॉट बी मेजर्ड. जो समुद्र की गहराई है उसको नापने की जो इकाई है उसको फैदम कहते हैं. तो बट द डेप्थ ऑफ द ओशन कैन नॉट बी फैदम, उसको नापा नहीं जाता. इतनी गहराई में पड़े हुए हैं. कहाँ पड़े? केव्स ऑफ ओशन, समुद्र के अंदर भी गुफाएं हैं, वहाँ पर वो पड़े हैं. दे आर लाइंग देयर अननोटिस्ड. उनको कोई समुद्र में इतना गहरे में जाकर उनकी गुफाओं में अंदर कोई भी नहीं ढूंढ पाता. सो दे दीज जेम्स, दीज प्योर जेम्स, प्योर एंड प्रेशियस जेम्स आर जस्ट लाइंग देयर जस्ट लाइक दैट. वो वहाँ पड़े हुए हैं एंड नोबडी नोटिसेस देम एंड नोबडी नोज अबाउट देम. कोई जानता भी नहीं है कि इतनी कीमती चीज़ें वहाँ पर इस तरह से पड़ी हुई हैं. और क्या है? फुल मैनी आ फ्लावर्स इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन. देर आर मैनी फ्लावर्स, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं जो खिलते हैं. बॉर्न दे ब्लूम, बॉर्न से मतलब यहाँ समझिए ब्लूम, जैसे फूल खिलता है. फ्लावर इज अ फ्लावर ब्लूम्स टू ब्लश अनसीन. एंड ब्लश अनसीन, अनसीन माने बिना देखे. एंड इट ये जो है फूल जो है वो मुरझा जाता है. द फ्लावर्स विदर्स अवे, मुरझा जाता है. और कैसे? एंड वेस्ट इज स्वीटनेस, और उसकी जो स्वीटनेस है उसकी जो ब्यूटी है, यू वी कैन से द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर इज वेस्टेड. और कहाँ मुरझा जाता है? ऑन द डेजर्ट एयर, कहीं रेगिस्तान में एक सुंदर सा फूल खिलता है. डेजर्ट यानी रेगिस्तान. और वहाँ पर खिलकर, बिकॉज देर इज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ ऑफ अ फ्लावर, तो अ फ्लावर ब्लूम्स, इफ़ अ फ्लावर ब्लूम्स इन द डेजर्ट देर इज़ नो वन टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दैट फ्लावर. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम द फ्लावर विदर्स अवे, उसको वो जो फूल है वो मुरझा जाता है उस रेगिस्तान में, बिना किसी की उसकी सुंदरता को अप्रिशिएट किए. इसी तरह ये लोग जो हैं ये बहुत टैलेंटेड थे, बहुत पोटेंशियल थे, लेकिन इनको क्योंकि दे डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी, इन्हें मौके नहीं मिले, वो अपने जीवन में वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए और अंततः उनकी जीवन का अंत हो गया. देयर लाइफ एंडेड विदाउट देयर अचीविंग एनी ग्रेट हाइट्स, कुछ भी बड़ा हासिल करने से पहले ही उनके जीवन का अंत हो गया. तो ये स्टैंजा नंबर 14 है बच्चों, रिवाइज कर लीजिएगा.